Union Minister of State for Defense Dr. Subhash Bhamre, speaking exclusively to NNIS, has said that the army personnel were being taken care of and ensure that there is a solid problem redressal system in place. MOS Defense Subhash Bhamre has said the OROP has been a problem for the last 40 years and PM Modi had steadfastly acted on the demands. He said if the government had not been serious, it would not have been implemented ORP. कि ORP ये जो समस्या 40 साल से थी, पहली बार किसी सरकार इस मामले में गंभीर रही. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने फोर्सेस से वादा किया था, एक सर्विसमैन से वादा किया था कि जैसे भी हम सत्ता में आए, सबसे पहला कदम ORP का उठाएंगे. और 7 नवंबर 2015 को ORP का ऐलान किया, इम्प्लीमेंट करने का वादा किया. डॉक्टर भामरे सेड दैट पीएम हैज फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड देयर आर अराउंड 20,000 टू 30,000 पेंडिंग फैमिली पेंशन केसेस इन कनेक्शन विद 1962 टू 1971 वॉर्स. ही अंडरस्कोर दैट 100 पेंशन रैलीज एंड पेंशन अदालत हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड दस फार. और ये हमने वादा, जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो पूरा किया. सरकार एक सर्विसमैन के जितने भी इश्यूज है उसके बारे में बहुत बेहद सेंसिटिव है और हम हर एक सर्विसमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. और उसी का रिजल्ट है, इतने कम समय में 20,67,000 में से 20,20,000 तक सबका मामले निपटाए गए. जो 20-30,000 बाकी है वो ज़्यादातर फैमिली पेंशन वाले हैं, 62 और 71 के वार के. उनकी अब जानकारी पूरी नहीं है, फिर भी उन तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की जा रही है. 100 से ऊपर हमने एक सर्विसमैन रैलीज आयोजित की, हम पेंशन अदालत आयोजित कर रहे हैं.